को सबक सिखाना चाहिए। चीन बहुत ही बेईमान देश है। सन 1962 के बाद शायद मेरा जन्म 1962 नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, 58 साल की हुई है। चीन को सबक सिखाना चाहिए। हम हमेशा भारतवासी सभी शांतिपूर्वक काम करते हैं जी। आतंकवादी कभी नहीं करते हैं, ना ही हम कभी पहल करते हैं लड़ाई जी। अपन तो चाहते हैं कि लड़ाई ना हो जी। अपना देश ही ऐसा है जो शांति प्रिय है। हमारा देश तो इतना अच्छी बात है, हम तो शांतिपूर्वक लोग हैं। भारत हमारे जितने भी सांसद हैं जो भी है सब बड़े शांतिपूर्वक। शाह जी हैं, राजनाथ जी हैं जी, हमारी मैडम थी वो सुषमा स्वराज जी, बहुत अच्छी थी जी। चलते चलते आप राष्ट्र के लिए जिस तरह से देखा जा रहा है, हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर तैनात हैं, LOC हो या LAC, इसके लेकर आप कितना धन्यवाद देना चाहते हैं और कितना सदा नमन हमारा स्वदेशी होना चाहिए जी, देसी होनी चाहिए। अपना ये निकाले हैं, भूम इंडिया अपना निकाले, हर चीज़ अपनी निकाले जी। संजय किसी की चीज़ खरीद ली जी। संजय जी, जिस तरह से आप निर्भरता की बात किया जा रहा है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी लगातार कर रहे हैं, इसे देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं? तो अच्छी बात है, आप तो शांतिपूर्वक लोग हैं। भारत वाले प्रधानमंत्री हो, हमारे जितने भी सांसद हैं जो भी है सब बड़े, मैं ही हूँ। चीन क्या, अमेरिका क्या, रूस क्या, जितनी भी कंट्री है देश की जो भी है, ईश्वर के बिना कुछ नहीं है जी। कोरोना महामारी, जिस तरह कोरोना महामारी आई है, किसने कोई कह रहा उसने भारत छोड़ दिया, उसने भारत छोड़ दिया, ये सब प्रभु की लीला है। प्रभु जब चाहेंगे तभी ये ठीक होगा। अपने आप को सेफ्टी रखो, मुंह पे मास्क लगाओ, पूरी 2 गज की दूरी बना के रखो जी। ये मेरी प्रार्थना है, आप अपने घर रहो, सुरक्षित रहो जी। कोरोना महामारी जिस तरह चल रहा है, तो इसे देखते हुए आप कितना सतर्क हैं? अरे सर, बिल्कुल सतर्क है। क्या और क्या बताना चाहते हैं? चलते चलते आज फौजियों के लिए कितना धन्यवाद और देना चाहते हैं? फौजियों को तो हमारा सलूट हमेशा ही रहा है, और देश की रक्षा वही करते हैं। अब तो यहाँ बैठे हमें क्या पता क्या है, उनको सलूट है। धूप पसीना सर्दी गर्मी सब उनके, सर्दी गर्मी सब उनकी, वही बेचारे अपने माँ बाप बीवी बच्चे छोड़ के आए, उनकी आयु लंबी करे, यही मेरी प्रार्थना है। भारत माता की जय 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 माता।